अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने जॉब्स के बारे में लेके अपडेट देनी है कि किस तरह के अपने पास काम आया हुआ है, किस तरह का काम है और किस तरह का हम काम कर चुके हैं वो सभी को पता है, पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं आप। तो अभी कुछ वीडियोस में हमारे पास जो काम चल रहा था लगातार, हम जिसके वीजा दिखा रहे हैं, जिस तरह लोगों को पिक कर रहे हैं और लोगों को काम पर लगा रहे हैं, वो सभी के सभी कैफेटेरिया के लड़के थे। जैसे कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में काम आया हुआ है स्किल पर्सन का। स्किल पर्सन किस तरह के चाहिए हमें स्किल, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं स्किल पर्सन क्या होता है भाई, किस तरह का काम है। स्किल पर्सन का मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, इस तरह का काम होता है जो अपने हाथ के कारीगर हैं, ठीक है, जिनको अपना हाथ का हुनर है उनको कहते हैं स्किल्ड वर्कर। तो इस तरह के कामों में क्या है कि बेसिक सैलरी नॉर्मली 1400 से 1600 ग्राम है, 8 से 10 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब चीज़ कंपनी की तरफ से रहेंगी। और इसके अलावा कैफेटेरिया काम हमारा चल ही रहा है। कैफेटेरिया में हमें 10th 12th पास लड़के चाहिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, हाय हेलो कर सके, कस्टमर आ रहा है कस्टमर को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह बात करनी है उनसे, किस तरह उनसे ऑर्डर लेना है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए इंग्लिश में। तो उसमें हम नॉर्मली सैलरी जो दे रहे हैं 1200 से 1400 ग्राम दे रहे हैं, 1200 से 1500 ग्राम दे रहे हैं, इस तरह क्यों उनके नॉलेज के और उनके कस्टमर से बात करने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह वो कस्टमर से बात कर रहे हैं। कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में क्या होता है कि सब अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, काफ़ी लड़कों ने क्वेश्चन किया कि जी रेस्टोरेंट में वेटर का काम है, कैफेटेरिया में वेटर का काम है, क्या उसमें फूड होगा? भाई फूड सिर्फ रेस्टोरेंट लाइन में मिलता है, कैफेटेरिया में आपको कॉफ़ी मिलेगी, कॉफ़ी आप 10 पिए 40 पिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फूड नहीं मिलेगा। कुछ कैफेटेरिया रेस्टोरेंट से अटैच है तो उसमें फूड दे रही है कंपनी, लेकिन जो कैफेटेरिया रेस्टोरेंट से अटैच नहीं है वहाँ पर सिर्फ आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये चीज़ मिलेगी। और दूसरी बात ड्यूटी टाइमिंग हमेशा 10 से 12 घंटे होती है। कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, होटल लाइन में किसी भी तरह के इसमें चले जाएं आप, 10 से 12 घंटे नॉर्मली कम से कम ड्यूटी होती है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें ओपन कर दी हैं, तो इस चीज़ को लेकर बार बार क्वेश्चन ना कीजिएगा। टीम से नीचे नंबर होते हैं वीडियोज़ में, आप उनको बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि भाई कितने घंटे ड्यूटी है, ये सब चीज़ मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो यहीं से आप सारी चीज़ कंफर्म करके सिर्फ आपको उनसे ये पूछना, अगर आपने आना है, आप इंटरेस्टेड हैं दुबई आने में, तो सिर्फ आपने ये कंफर्म करना है कि हाँ जी हमें कैसे प्रोसेस कराना है, ठीक है। तो कैफेटेरिया का काम हमारा हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैफेटेरिया में वेटर चाहिए एज ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 27 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, वो भी है 30 साल उसकी है जो दिखने में गुड लुकिंग है, अच्छा लड़का है। कैफेटेरिया में अच्छे कम एज के लड़के चाहिए जिसमें 1200 से 1500 ग्राम सैलरी, 10 से 12 घंटे ड्यूटी है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा। फूड की कमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, फूड कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा, तो मैं फूड की ना ही करूँगा, माइंड में रख के ना है, ठीक है। अब चले जाते हैं इंडोर हेल्पर। इंडोर हेल्पर किस तरह के होते हैं, जिनको कुछ काम नहीं आता, इस तरह के लड़के होते हैं इंडोर हेल्पर। इंडोर हेल्पर में किसी भी जगह इंडोर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर हेल्परी में, किसी भी इंडोर के अंदर एसी के अंदर काम पे लगा देंगे। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कोई काम नहीं आता, वो हेल्पर ही में जाएंगे। अब कुछ लोग कह देते हैं भाई मैं 10वीं पास हूँ या मैं 10th पास नहीं हूँ, कोई अच्छी सी जॉब, भाई मुझे आज तक ये नहीं पता चला अच्छी जॉब कौन सी होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को मान लें कि भाई कोई 10th पास है और उसको चाहिए 2500 ग्राम सैलरी, उसके लिए वो अच्छी जॉब है, लेकिन भाई काबिल तो हों आप कि आप 2500 ग्राम सैलरी ले सके। इंडोर हेल्पर में 1000 से 1200 ग्राम सैलरी होती है, 8 से 10 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सब चीज़ कंपनी की तरफ से रहेगी। मेरी हंसी छूट रही है क्योंकि फिर कभी अगली वीडियो में बताऊंगा मेरी हंसी क्यों छूट रही है ये, ठीक है। इंडोर हेल्पर हो गया, अब किचन हेल्पर को ले लेते हैं। किचन हेल्पर किस तरह का होता है? किचन हेल्पर जो किचन के अंदर रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया में किचन के अंदर कुक की हेल्प करते हैं उसको कहते हैं किचन हेल्पर। अंदर बर्तन वॉश करने, ये सब चीज़ होंगी। किचन हेल्पर माइंड में ये मत रखिएगा सिर्फ सब्जी काटनी है या फिर कोई छोटा मोटा काम है, भाई किचन है, किचन के अंदर जो भी काम है A to Z वो सभी करने होते हैं, ठीक है। उसमें सैलरी जो रहेगी 1000 दरम रहेगी, 3 टाइम का खाना, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सब चीज़ रहेगा, ठीक है। ओवर टाइम कभी कभी मिलता है क्योंकि 10 से 12 घंटे ड्यूटी रेस्टोरेंट होटल लाइन में होती है, ठीक है। अब आपका हो गया इंडोर हेल्पर भी हो गया, किचन हेल्पर भी हो गया, वेटर भी हो गया। वेटर कैफेटेरिया में हमें चाहिए, उसकी मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। अब कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर।
स्किल वर्कर की सैलरी आप मंथ करके मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ऊपर वो आप में काबिलियत होनी चाहिए। स्किल वर्कर जैसे कि इंडोर किचन हेल्पर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्किल वर्कर को जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, जिनको कुछ काम आता है, 1400 से 1600 दरम सैलरी, ठीक है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, 8 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम रहेगा, ये काम रहेगा। इस तरह के काम होते हैं स्किल वर्कर के। और तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी लग जाएगी। मेरी बेसिक सैलरी मैं कम से कम इतनी दिलाऊंगा, उसके बाद आप पे डिपेंड है कि आपको क्या नॉलेज आती है। हमारे पास अब कार वॉशिंग का भी काम आया हुआ है, इस तरह का, मतलब कि कार वॉशिंग का काम हो गया, इसमें 1000 सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, या फिर आपके पास, अगर आपके पास लाइसेंस है, 3 नंबर लाइसेंस, अगर आपके पास 3 नंबर लाइसेंस है, आपके पास फिर विजिट वीज़ा या कैंसिल वीज़ा पे हैं आप, या फिर आपके पास अपना खुद का वीज़ा है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छी बेसिक सैलरी अच्छी मिलेगी, सब चीज़ अच्छा, कॉन्टैक्ट है हमारा, आपके से हमने कॉन्ट्रैक्ट उठाए हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ में हो जाएगा, नून में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, DHL में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, फिर अपने पास विजिट और कैंसिल वीज़ा पे जो लोग हैं ड्राइवर, उनके लिए भी अपने पास काफ़ी काम है। थर्ड सबसे लास्ट पॉइंट, किसी को आज़ाद वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा भाई गली गली में बिक रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से वीज़ा लें जिनके पास लाइसेंस है, जो यहाँ लीगल है। किसी से भी आप, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगा, पॉइंट की बात कहूँगा, बात फालतू करने का शौक नहीं है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया इन चीज़ों का, या फिर इंट्रो में कभी ये इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, पॉइंट की बात वीडियो में शुरू से ही पॉइंट की बात करूँगा, लास्ट में वीडियो में ही पॉइंट की बात से ख़त्म करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपके पास जो थोड़ा सा कीमती टाइम है वो भी मैं वेस्ट करूँ, ठीक है। अपने पास जो आज़ाद वीज़ा हैं, हमारे पास 3 लाइसेंस हैं इस वक्त कंपनी के, खुद के, मेरे खुद के पास 3 लाइसेंस हैं इस टाइम प्रजेंट में। किसी को चाहिए होगा आज़ाद वीज़ा तो ले सकता है, वैसे गली गली में बिक रहे हैं लोग, गली गली में आज़ाद वीज़ा बेच रहे हैं, लेकिन कम से कम प्राइस पे, बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे, जिस तरह आपको सहूलियत लगे उस प्राइस पे आप, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे भी वीज़ा हम दे रहे हैं, फ्रीलांसर वीज़ा इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं, मार्केट में मेरे ख्याल से कोई नहीं दे रहा होगा, आज़ाद वीज़ा में इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा ये हो जाएगा, आपका पासपोर्ट ये सब चीज़ें, थोड़ा सा EMI चलती रहेगी, सिर्फ बंद रहेगा। अगर आपके पास कैश पेमेंट है तो कैश पेमेंट में हम सस्ता दे रहे हैं, कैश पेमेंट में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। इंडिया से किसी को ड्राइविंग के लिए आना है, ड्राइविंग जॉब के लिए आना है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको वहीं पर वीज़ा देंगे 2 साल का, उसी वीज़ा पे यहाँ बुला के उसका लाइसेंस अप्लाई कराएंगे और जॉब भी कराएंगे। ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये कुछ छोटी छोटी अपडेट थी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं कुछ दूसरे यूट्यूबरों की तरह बड़ी बड़ी 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस बनाते, मैं नहीं चाहता। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर कर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको इस चीज़ में क्या मिला, क्या अपडेट चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, क्या अच्छा है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, आपका विजय अपना भाई, हरियाणा वालों को राम राम, और सभी दुआ में याद रखिएगा, और जिन लोगों को हमने काम पे लगाया उनके लिए दुआएं करते रहिएगा करें भाई, क्योंकि उनकी दुआएं और आप, उनका काम आपकी दुआएं, और ये चीज़ चाहिए।